V4 है, R15M है, फिर V3 लाइन से 3 V3 है, बाकी एक R15M है। तो संडे का राइड ऐसे आज प्लान हो रहा है। Hello guys, once again and welcome back to my YouTube channel. This is Shroth and you're watching Shroth Vlogs. So guys, आज हम लोग निकले, संडे का दिन है तो संडे का दिन बिना राइड का तो नहीं जाना चाहिए। एक व्हीली ट्राई कर लेते हैं। ओहो, व्हीली, फर्स्ट व्हीली क्रैश हो गया हल्का सा, लिटिल बिट। चलिए, और कुछ भी दोस्त लोग हैं, वेट कर रहे हैं उस साइड। तो चलिए गाइस, आप लोग से स्टे ट्यून रहते हैं, वीडियोस के आगे में मिलते हैं। गाइस, आज का ब्लॉग धमाकेदार होने वाला है, तो मेक श्योर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो। देखो, आपको बहुत ही ज्यादा फन मिलने वाला है इस वीडियो में। मेरे कुछ बचपन के स्कूल के भी फ्रेंड हैं, वो लोग को भी मैंने बुलाया है। चल, अटल पथ पर रुकेंगे। ओ भाई, उसकी बाइक बहुत ही ज्यादा न्यू है, बहुत ही तुरंत टाइम में, बहुत ही ज्यादा। मैंने चेन में ल्यूबिंग भी नहीं कराया। हे भगवान, आप ही के चलते आज यहाँ है। आप चाहेंगे और ऊपर पहुंचा देंगे। ओहो, मॉर्निंग का टाइम है गाइस, थोड़ा बहुत ठंड तो लग रहा है, बट जो जुनून है उसके चलते यूजुअली नॉर्मल टाइप का फील हो रहा है। गाइस, पहला स्टॉप है अटल पथ, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे। यूजुअली डेली तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि वही बेस्ट एक रूट है पटना में। अब बाकी एक और रूट है तो वो फोर लेन के साइड में। गाइस हैव अ लुक, बहुत ही सेक्सी लगती है बाइक। चलिए, आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो एक दिन जरूर वो भी आएगा। उससे बहुत ऊंचा का भी सोचा है, वो भी जरूर करूंगा। बाकी दोस्त सारे पीछे रह गए। ABS भी ऑफ होता, ओ चाबी ऑफ करके ABS ऑफ किया। Guys, this is awesome, really. I ever had. पहला स्टॉप लेंगे अटल पथ पे, पीछे और भी बाकी लोग पीछे ही है। गाइस, आप लोग जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चलिए और वीडियोस पे बने रहे, मिलते हैं आपसे आगे वीडियोस में। ओ चचा चचा, तीन टायर लेके चल रहे हैं। सो गाइस आज अपने साथ है FZ V3 V4 है, R15 M है, फिर V3 लाइन से तीन V3 है, बाकी एक R15 M है। तो संडे का राइड ऐसे आज प्लान हो रहा है, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से वीडियोस के आगे में, फिर से फन होगा। हैव फन, स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहिए और आप अपना प्यार दिखाते रहिए हम लोगों को। गाइस अब जा करके ठंड लग रहा था, जो कि पूरा कंप्लीट टाइप से क्लियर हो चुका है ठंड, अब लग रहा है नॉर्मल। वो तो जैकेट पहन के आया है, वो भी जैकेट पहन के आया है। चलिए आज किसी को नहीं आगे जाने देंगे, आज तो मूड बना का है हम। बराबर का कंपटीटर था, बराबर का टक्कर था, वो तो नया है, देखते हैं। उसमें पावर तो ऐसे नहीं स्टार्टिंग में। पीछे से लगता है सेम V3 जा रही है, बट आगे से देखने में पता चलता है कि नहीं, ये R15 वर्जन 4 है, साइड से भी फेयरिंग से। Close calls. Guys, क्या होता है ना, ऐसे मैं जब भी निकलता हूँ ना, तो जब भी एक दो तीन दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं निकालता हूँ अपना बाइक तो टॉप स्पीड ले जाने का कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा अंदर में डर सा टाइप का आता है, डर फियर लगता है। अभी तो कंप्लीट फियरलेस है। एक दो तीन सबको जाने देते आगे। चलिए गाइस मिलते हैं वीडियोस के आगे में। ओ मैन, काफी तबाही आवाज है। इधर इधर इधर, भाई बाइक था गाइस, कते जहर आवाज था, बट नेकेड था, फील नहीं आएगा, नेकेड बाइक चलाने में फील नहीं आएगा, मजा नहीं है। गाइस आई नो कि वो बाइक बहुत ही ऊंचा है, बट वो लोग ड्राइव ही नहीं कर रहा है। चलिए पहले चलेंगे दिग्गा साइड। गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं एलिवेटेड पे, यहाँ पे बहुत सारा रील्स ये सब बना है, वो सब आपको देखना है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा।
फाइनली हम लोग एलिवेटर आ चुके हैं जहाँ की हम लोग को आगे बहुत मजा आता है। यहाँ पर होता है थोड़ा सा बाइक का टॉप एंड, ओहो गाड़ी खड़ा है रोड पे, देखिए ये सब लापरवाही रोड पे कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग एलिवेटेड पहुंच गए हैं, इसका दूसरा पार्ट हम डालेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो ये ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए लेना चाहेंगे शुक्रिया, आपका दिन अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाए। मेक श्योर आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाए मेरे वीडियोस पे, अच्छा अच्छा रिस्पांस दें। तो गाइस जाने से पहले एक व्हीली बनता है, चलिए गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो।